आज की क्लास में हम डैशबोर्ड के अंदर डायनेमिक चार्ट कवर कर रहे हैं। डायनेमिक चार्ट मतलब चार्ट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके, उसके डेटा को मैनिपुलेट कर सके, दैट कॉल्ड डायनेमिक चार्ट। तो आपके सामने एक डेटा दिख रहा है। अब इस डेटा पे मान लीजिए मुझे कॉलम चार्ट चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि इंसर्ट में जाइए, डेटा पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे जाइए और कॉलम चार्ट लगा लीजिए। कॉलम चार्ट लगाने के बाद यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि किसका किस मंथ में क्या सेल है। इस तरह से दिख रहा है ना सर। अरे चलिए यहाँ पे 10 नाम है, लेकिन ये मान लीजिए 1000 होते तो इस तरह के चार्ट बनाना पॉसिबल ही नहीं था। पॉसिबल था सर? बिल्कुल नहीं था। अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे मोहन और पूजा के बीच में क्या कंपेयरिंग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें देखना है कि पूजा का मंथ में क्या क्या सेल। मैं पूजा को, मैं नेम को मंथली कंपेयर करना चाहता हूँ, बिटवीन नेम में कोई फॉर्म मुझे मतलब नहीं। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं कुछ इस तरह से वन बाय वन इंडिविजुअल चार्ट बनाऊ, कुछ इस तरह से। अब वही प्रॉब्लम आ गई कि अभी जैसे यदि देखिए कि 9 है, तो मुझे ऐसे 9 चार्ट बनाने पड़े। अगर 90 हुआ तो 90, 100 हुआ तो 100। अब बना नहीं पाइएगा, बना भी दे कर लीजिएगा तो कोई देख नहीं पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ही चार्ट बनाऊं, लेकिन उस पे कुछ ऐसा ऑप्शन दे दूं ताकि जो जिसका चाहे देख सकता है। तो चलिए उसके लिए थोड़ी सी फॉर्मूले की मदद लेते हैं। इसको सिलेक्ट किए क्या सर? स्लाइसर से फिर पिवट लगाना पड़ता है ना सर। चलिए आपने बोला स्लाइसर से, तो स्लाइसर से भी करके देख लेते हैं कि हमने पिवट टेबल लगाया और पिवट टेबल में मैंने यहाँ पे नेम दे दिया और यहाँ पे जैन का टोटल, फैब का टोटल, मार्च का टोटल, इस अप्रैल मई जून ये दे दिया। ठीक है, और इसके ऊपर हमने अपना चार्ट ले लिया। हालांकि यहाँ भी आपको फिल्टर है, यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं। और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो ये जो बटन वगैरह है उसको हटा दीजिए, हाइड ऑल बटन फिल, और आप जो है इसका यहाँ पे इंसर्ट कीजिए स्लाइसर। स्लाइसर में मैं नेम के अकॉर्डिंग चाहिए तो नेम पे ले लिया और इसको यहाँ पे रख देते। ठीक है, पूजा पे क्लिक किया तो पूजा का डेटा आ गया, मंथ आ गया इसका। ये जो आ रहा है सम ऑफ जैन फाइव, इसको डिलीट कर दीजिए। इसकी डिजाइन वगैरह जाइए, इसके अंदर डिजाइन बहुत सारे मिलेंगे, जो अच्छा डिजाइन लगता है वो आप ले लीजिए। ठीक है सर, या फिर इसको स्विच कर देते हैं रो एंड कॉल, ये आपका मंथ ये सही है। ठीक है, ये फिर बस वही बताता हूँ ना, बटन हो गया, दिख गया। प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसके लिए यहाँ वो पिवट भी रखना पड़ रहा है, स्लाइसर है, स्लाइसर की एक अपना अस्तित्व है। अब इसी चीज को मैं बटन से कर रहा हूं, तो बटन के लिए मुझे क्या करना होगा, कॉमा करके यहाँ पे डेटा रखना होगा। अब यहाँ पे मैं मैन्युअली 1 लिखता हूँ और यहाँ ऑफसेट का फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, ऑफसेट, ऑफसेट में मैंने इसको सिलेक्ट किया कॉमा, और मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको रो को, और यहाँ पे कॉमा 0 करके एंटर मार दिया। अब आगे ट्रैक, अब ऑफसेट ने क्या किया कि ऊपर से 1 रो का डेटा ले लिया, तो 0 1 पूजा आ गया, और कॉलम में बोला कि 0 रखना है तो 0 आ गया। अब इस 1 को मैं कर देता हूं फ्रीज। ठीक है, रो लगा के फ्रीज कर दिया और ड्रैग कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जैसे मैं 2 लिखूंगा 2 का डेटा आ जाएगा, 3 लिखूंगा 3 का आ जाएगा, 4 लिखूंगा 4 का आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाने के बाद चार्ट के अंदर अच्छा सा एक फॉर्मेटिंग वगैरह देना है, तो अच्छा सा फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से आप दे दीजिए, जैसे मैं ये ले लेता हूँ।
या कुछ और फॉर्मेटिंग करना है, चार्ट फॉर्मेटिंग तो बताई मैंने आपको, और इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं यहां आता हूं डेवलपर में और यहां इंसर्ट आएगा। अगर डेवलपर टैब आपके सिस्टम में नहीं है तो कहां से लाएंगे, फाइल के अंदर ऑप्शन कस्टमाइज रिबन और यहां डेवलपर पे क्लिक कर। ठीक है, अब मैं यहां आता हूं और ये जो आपको लिस्ट कॉम्बो बॉक्स दिख रहा है, इस कॉम्बो बॉक्स को लेके ड्रैग करता हूं, या ड्रैग, फिर राइट क्लिक किया और चला गया फॉर्मेट कंट्रोल में। फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद मैंने यहां से इसकी रेंज ली। ये रेंज क्या होगा कि ड्रॉप डाउन के अंदर वो आएगा सेल लिंक, जब मैं क्लिक करूंगा तो अपडेट कहां करेगा, तो यहां अपडेट करेगा, और 3D सेटिंग कर दूंगा तो 3D बन जाएगा। तो अब यहां पे हमने पूजा है, ठीक है सर। तो जैसे मैं यहां मोहन कर रहा हूं, या फिर मान लीजिए पूजा किया, तो पूजा का सीक्वेंस नंबर क्या है, 1 है, तो यहां 4 की जगह पे 1 टाइप कर देता है। यहां पे फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाया, इसको कोडिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोहन पे क्लिक किया तो मोहन, कविता पे क्लिक किया तो कविता, इंदर पे क्लिक किया तो इंदर। ठीक है, अब आप इमेजिन कीजिए कि आपको कौन लग रहा है, ए अच्छा लग रहा है या ए अच्छा लग रहा है। इसकी बात कर रहे हैं, मैं क्या अलग करना है आपको, ठीक है, दूसरे सीट पर रखना चाहते हैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और भी है, यहां पे एक चीज, एक दिक्कत यहां पे एक चीज और आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है कि इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला यहां रखना पड़ता है, ठीक है ना। इस पे दोबारा आता हूं। अब इसमें एक चीज और आती है कि हम इसमें इवेंट भी, अगर थोड़ी सी वीडियो प्रोग्रामिंग आती है तो आप इसमें इवेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं ड्रॉप डाउन हटा देता हूं, दूसरे सीट पे आ गया हूं मैं। और मैं क्या करता हूं कि मैं जहां पे क्लिक करूं, जहां क्लिक किया तो वहां का टेबल दिखे मुझे। तो ये चीजें के लिए हम यहां बस क्या करेंगे, सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे व्यू कोड पे। ये कौन सा है, A13 व्यू कोड, और यहां पे मैंने सिलेक्शन, और यहां पे मैंने ले लिया सिलेक्शन चेंज, और सिंपली मैंने लिखा कि रेंज, एक सिंपल सा कोड लिखना है, रेंज A13 डॉट वैल्यू इक्वल टू सिंपल सा ये टारगेट, जहां पे क्लिक होता है ना, यहाँ देखिए टारगेट पे टारगेट माना जाता है, तो टारगेट डॉट रो सिंपल सा। अब जहां भी मैं क्लिक करूंगा देखिए उसका रो नंबर यहाँ आ जाए, और फिर मैं इसको क्या करता हूं कि इसको इस तरह से ओवरलैप कर देता हूँ चार्ट को। ठीक है सर, ठीक है। या फिर एक तरीका और किया जा सकता है, अगर इसी को करते हैं, रिव्यू कोड हो जाएगा, सिर्फ कोड फिलहाल कोड हटा देते हैं। ठीक है, मैं जैसे कि आपने बोला कि कहीं और रखना है तो हम कहीं और रख देते हैं इसको, किसी और सीट पे, किसी और सीट पे रखें सर, किसी और सीट में रख देते हैं, और इसके बाद यहां हम लगाते हैं फॉर्मूला किसका, टारगेट का।
ट्रांसपोज का, माफ कीजिएगा, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, हो गया सर। और इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पे राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट सेल में जाते हैं, प्रोटेक्ट, यहाँ पे फिल पे आते हैं, फिल इफेक्ट में आते हैं, और इसको कुछ बटन टाइप का मैं बनाना चाहता हूँ ग्रीन में। राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल, इसकी फॉन्ट कलर को व्हाइट कर देता हूँ और साथ में बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ। और बॉर्डर लगाना तो बोल ही गया मैं, व्हाइट कलर का बॉर्डर लगाना। बॉर्डर कलर व्हाइट, और मैंने इधर इसको डायरेक्ट सिर्फ बीच में लगाता हूँ, ठीक है सर। और एक चीज और यहाँ पे रखा मैंने, इसको राइट क्लिक कीजिए, व्यू कोड, और यहाँ पे सिलेक्शन, सिलेक्शन चेंज। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सीट 4 है ना हमारा, सीट 4 से कनेक्टेड है हमारा, मैं सीट 3 1, यहाँ पे जो सीट 1 3 है इसका साथ, यहाँ पे सीट 4 ही है ना, दिख रहा है आपको, 3 सॉरी 3 है ना हमारा, हाँ सीट 6 है, सीट 6 का जो 13 है ना उस पे ले जाना, यहाँ पे लिखेंगे सीट 6 डॉट रेंज 1 13 डॉट टारगेट, यहाँ पे डॉट वैल्यू इक्वल टू टारगेट डॉट रो, ठीक है सर। रो नहीं, टारगेट डॉट कॉलम होगा, माफ कीजिएगा, कॉलम वाइज ना डेटा बनाए। अब यहां पे आइए, जिस कॉलम पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है सर, अब वीवीए प्रोग्रामिंग आपको आएगी तो और भी इसको अच्छा कर सकते हैं। अब इसको चलिए थोड़ा सा और बेटर करते हैं, और बेटर कैसे करेंगे उसके लिए हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, ठीक है ना, और बनाते हैं फंक्शन, फंक्शन, और यहां पे हम देते हैं और यहां पे हम डालते हैं एमएम, और यहां पे एन एज ए इंटीजर कर देता हूँ। थोड़ा सा डीवीए प्रोग्रामिंग है, इसको नकल भी कर सकते हैं सिंपल सा, अब यहां पे सिंपली लिखेंगे सीट 6 डॉट रेंज A13 डॉट वैल्यू इक्वल टू एन, ठीक है। अब इसको यहां पे
करते इसकी कोड, राइट क्लिक करके व्यू कोड में आइए, ये कोड है, इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। सिलेक्शन, अब सिलेक्शन नहीं करना है हमें, ठीक है। अब इसको भी पूरा हटा दें, इसको भी पूरा हटा दीजिए। इस पे लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पे लगाएंगे हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का फॉर्मूला आता है, उसके अंदर हम एमएम नाम का फॉर्मूला देंगे और उसके अंदर देंगे एन, वन दे देंगे। वन की जगह पे मैं कॉलम का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, कॉलम। तो ए आपको देगा एरर, वैल्यू का एरर देगा, मैं जानता हूँ वैल्यू का एरर देगा इसमें। और इस पे मैं लगाता हूँ फॉर्मूला इफ एरर का, और इफ एरर के अंदर में मैं यहाँ देता हूँ ऑफसेट, नहीं जैम सब कहेंगे ना हमें कॉमा कॉलन, एंड कॉमा कॉलन नंबर वन। ये 36 क्यों है, कॉलम कॉलम जीरो ना होगा, पूजा आगे। अब इसको लीजिए, अब इस ए वन को कर देता हूँ टीच, बाकी कोई फ्रीज करने की जरूरत नहीं, और इसको कर दीजिए आगे की तरफ ड्रैग। और इसको रखिए ऊपर, यहाँ रखिए। अब पता है सर, जस्ट अपना कर्सर ले जाइए, एक मिनट, क्लिक तो करने की जरूरत है ही नहीं, जस्ट क्या हो भाई, क्यों क्लोज हो गया ये, कितना सा बैग क्लोज क्यों हो गया। यहाँ पे ओम आना चाहिए था ना, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है हमारे फॉर्मूला में। पूजा का डेटा था आ गया, एक फॉर्मूला है हमारा एमएम एज ए रेंज सीट सिक्स रेंज A13 डॉट वैल्यू इक्वल टू एन, और ये जो एन है ये एन ए रहा, जो कॉलम नंबर दे रहा हूँ सिर्फ एन है। ओके, मैं एक बार देखता हूँ फॉर्मूला में क्या दिक्कत हो रहा है। इस पे कर्सर लाया तो ये ऐसी वेरिएबल ले लिया मैंने, एबीसीडी टाइप का मैथमेटिक लेते हैं ना, तो फॉर्मूला एवेलेट करते हैं, तो फॉर्मूला ओ गलती यहाँ पे हुई है, यहाँ पे गलती नहीं, सही तो है कॉलम, सही तो है, ए में ही कॉलम हो गया, यहाँ पे कॉलम, ये फॉर्मूला सही है। यहाँ बी में देखते हैं क्या है फॉर्मूला, ए कॉलम फॉर्मूला नंबर दिया 2 एमएम, एमएम वैल्यू एरर दिया, हाइपर लिंक भी किया, फिर सिक्स में मोहन दे दिया, रिजल्ट मोहन तो दिया, लेकिन ये हाइपर लिंक चलना चाहिए था ना इसमें M2।
सीट सिक्स रेंज ए थर्टीन डॉट वैल्यू इक्वल टू एल। अब इस एमएम फॉर्मूला को हम क्लिक करने पे, यहाँ क्लिक करने की जरूरत नहीं, कर्सर ले जाते हैं आ जाता है। कॉलम एक मिनट रुक जाइए, इफ एरर फॉर्मूला में हटा दो, इफ एरर का फॉर्मूला हटा। अभी ये हाइपरलिंक हॉट कलर गया। अच्छा एक मिनट, हाँ एरर यहाँ पर मैंने पूजा लिख अच्छा, कर्सर जाने आ जाना चाहिए था। ये तो सही, बिल्कुल सही नहीं, वो सही होता है क्या कि हमने क्या किया है, फंक्शन में बोला है सीट सिक्स ए थर्टीन, ये सीट थ्री जो है फंक्शन इसे लिया ताकि हाइपरलिंक के जरिए वर्क हो, हमें कोई रन ना करना पड़े। सीट इसको करके देखते हैं। ना मोहन था,
मोहन तो पहले से ही था। अच्छा मैं यहाँ पे अगर 3 करता हूँ तो रुकिए, यहाँ पे एमएम के अंदर अगर मैं 3 डालता हूँ तो यहाँ पे एरर देगा, ठीक है, ये इस पे जाके वैल्यू टाइप नहीं करेगा, फाइनल है। अब मैं इसको अगर हाइपर लिंक में डालता हूँ तो इस पे लिंक जनरेट होगा, तो इस पे डालते ही देख बिता गया ना सर। अब यहाँ पे कविता आ गया, तो सेम चीज यहाँ ही कर रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला एमएम, एमएम के अंदर मैं दिया कॉलम का फॉर्मूला लाइक ओपन क्लोज। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर रखते पूजा आना चाहिए, नहीं आया कि इसमें हाइपरलिंक नहीं लगा, जब इसके अंदर हाइपरलिंक का फॉर्मूला लगेगा तो इसका लिंक चलेगा। अब जैसे इस पे देखिए रखूंगा मैं, ओ अब तो हाइपरलिंक बनना बंद हो गया, हाइपरलिंक बना हुआ है, मतलब जब हम किसी कॉलम रिजल्ट देते हैं। अच्छा यहाँ एक काम और करता हूँ मैं, यहाँ पे 1 दे देता हूँ और इसमें हम कॉलम का फॉर्मूला नहीं लेते हैं, इसके अंदर हम इस रेफरेंस को लेते हैं, तो अब यहाँ पे लिंक बन गया है बट यहाँ पे लिंक नहीं बना। अब मैं यहाँ इसको अगर मान लीजिए इफ एरर में दे दिया, और इफ एरर में यहाँ लिख देता हूँ मान लीजिए पूजा, तो हाइपरलिंक बन रहा है। अब इस पे कर्सर रखता हूँ, लिंक बना लेकिन आया नहीं। इसका मतलब आपको यह है कि अगर मैं मैन्युअली यहाँ पे 1 देता हूँ A2 MM के अंदर में, तो ए अभी नहीं आया, अच्छी ना सर, क्योंकि यहाँ पे मैनुअली मैंने अभी से मान लीजिए मैनुअली 3 करता हूँ, 3 की जगह पे 1 करता हूँ मैं यहाँ पे, क्या अब इस पे कर्स रखूंगा, अच्छा ये इसको हटा देता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ। अब इस पे डबल क्लिक करके एंटर मारता हूँ, जितना देर पहले वर्क किया है यही तरीका है सर, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पे 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे एन देना होगा इसलिए, बग तो कर रहा है। अच्छा इससे पहले तो यहाँ भी वर्क करेगा, रुक जाइए, यहाँ पे हम देते हैं एम एम है ना सर, MM ब्रैकेट में मैंने अगर मान लीजिए इसको दे दिया इक्वल करना होगा, इक्वल MM और हमने ब्रैकेट में इसको दे दिया एंटर मारा, तो ये आया। इसके ऊपर हाइपरलिंक लगाता हूँ मैं, हाइपरलिंक एंटर मारता हूँ, अब इस पे लिंक जनरेट नहीं हुआ क्योंकि तो किसी रेफरेंस को लेते हैं तो लिंक जनरेट नहीं होगा, आपको यहाँ पे मैनुअल ही देना पड़ेगा 1। अब इसके ऊपर लिंक नहीं, अभी भी लिंक नहीं बना, एक बार लिंक हटने के बाद नहीं बनता है शायद, तो यहाँ इक्वल MN ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसमें हमने दे दिया 1, आया
एनएम होगा ना, एनएम वन दे दिया। अब इसके अंदर मैं दूंगा हाइपरलिंक, हाइपरलिंक और एंटर मारता हूँ। तो ये देखिए, और इसके बाद मैं देता हूँ एफ का फॉर्मूला, एफ एरर, ये आया। तो यहाँ पे पूजा आना चाहिए, पूजा वाले। तो ऑलरेडी पूजा है ही। अब इसी फॉर्मूला को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ डालता हूँ और यहाँ पे मैनुअली टू लिखता हूँ और पूजा के जगह पे यहाँ लिखता हूँ मोहन, मोहन। अब इस पे क्लिक करता हूँ मैं, इस पे कर्सर ले, मोहन आ गया। आप तो मैनुअली आपको ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके अंदर रेफरेंस लेना पड़ेगा, ये दिक्कत है सर। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे कविता आना चाहिए, यहाँ पे थ्री दे दीजिए मैनुअल। हाँ कविता, समझे जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अब जैसे कि मैं बना दिया, अब इस पे क्लिक करता हूँ, कर्सर पूजा आ गया, मोहन आ गया, कविता आ गया, लिख गया सर। अब कर कैसे रहा बताता हूँ आपको। हमने एक फॉर्मूला बनाया एमएम नाम का। अब फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है, फॉर्मूला रिजल्ट देता है, कोई एक्शन नहीं करता है। क्या देता है? रिजल्ट कैलकुलेट। जैसे वी लुकअप से आप बोलेंगे कि वी लुकअप से डेटा की कॉपी पेस्ट करवा दे, तो हो सकता है वी लुकअप से एक रिजल्ट आपको देगा ना, डेटा कॉपी पेस्ट तो नहीं करेगा ना सर, क्या? तो यहां भी यही दिक्कत हुआ, यही पे दिक्कत हुआ कि रिजल्ट, यही पे प्रॉब्लम आ गई इसको कि ये सिर्फ रिजल्ट देता है, कैलकुलेट तो करता नहीं है। तो हमारे पास एक हाइपरलिंक का फॉर्मूला है, तो हाइपरलिंक के फॉर्मूले के अंदर अगर मैं कोई फॉर्मूला या कोई चीज देता हूं तो उसको कैलकुलेट करके लिंक बनाता है। अब इसके अंदर जब मैंने एमएम नाम का फॉर्मूला दिया, इसमें वन लिख दिया, तो हाइपरलिंक क्या किया, इस एमएम नाम के फॉर्मूले को कैलकुलेट करके, कैलकुलेट उसको रन किया बैकएंड में। तो बैकएंड में रन हुआ तो रिजल्ट तो कुछ आया नहीं, तो एरर आ गया, रह गया ना। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ कि जैसे जैसे माउस पॉइंटर हुआ, तो माउस पॉइंटर जाते से माउस पॉइंटर ले जाते हैं, तो नीचे ए बनता है, कोई भी अगर हाइपरलिंक लगाते हैं तो नीचे एक ए बनता है, क्या बोलते हैं, पाथ बनता है दिखाने के लिए। उस पाथ बनाने के चक्कर में फॉर्मूला आपका रन हो जाता है। जब फॉर्मूला रन हो जाता है तो ये जो एक्शन है वो एक्शन रिपीट वर्क कर जाता है, समझे सर। और ये चीजें किसी किताब में या किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज हम लोग जब किए थे तो सोचते 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 इसे निकाले, ठीक है सर। और इस तरह के इवेंट वगैरह आपका अगर डैशबोर्ड है उसमें अगर इस तरह के इवेंट यूज करते हैं तो एक अलग अट्रैक्टिव देता है कि भाई कर्सर माउस पॉइंटर ले जाते हैं, मुझे रिजल्ट मिल जा रहा है, मुझे क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, या फिर मुझे जस्ट क्लिक, मैं यहाँ जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करते मुझे रिजल्ट दे रहा है। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, और बटन्स का यूज भी आपको बता दिया क्या है। अब कल इस बटन को और ज्यादा ऑटोमेट करेंगे, ठीक है, आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम डिस्कस करते इसी चीजों पर। हाँ ठीक है।